नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात होगी जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर अलग अलग जगहों पर 3 आतंकी हमले हुए हैं। कठुआ में आतंकियों ने गांव में घुसकर आतंकी हमले को अंजाम दिया। तो आतंकियों ने गांव में घुसकर लोगों को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई, जिसमें पुलिस और आतंकियों के बीच सीधी फायरिंग हुई। इसमें एक आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया, वहीं दूसरा आतंकी जंगल में छिप गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। जबकि मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गए हैं। डोडा में सेना के नाके पर आतंकियों ने अटैक किया, जिसमें सेना के QRT के 2 जवान घायल हुए। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले 9 जून को रियासी में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने शिवखोड़ी से माता वैष्णो देवी बेस कैंप की तरफ लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था। आतंकियों की गोली बस ड्राइवर को लगी थी, जिसके बाद बस का संतुलन बिगड़ा और वो खाई में जा गिरी। 10 लोगों की जान चली गई, 40 लोग घायल हुए थे। रियासी के बाद आतंकियों ने अब कठुआ में सिविलियंस को बंधक बनाने की कोशिश की। इसमें एक आतंकी मारा गया, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गए हैं। वहीं डोडा में आतंकी हमले में सेना के 2 जवान घायल होने की खबर है। घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुंची, और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉब करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है, और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है, और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। छत्रकला में बेसिकली हमारा डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी, तो उसमें 4RR और हमारे पुलिस का ज्वाइंट नाका होता है, उस पर फायर हुआ है और अभी रिटेलिएट किया गया और एनकाउंटर जारी है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन र्यूमर्स पर ना जाए और हम इसका पहले कन्फर्मेशन देंगे उसके बाद। कठुआ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। दूसरे आतंकी की तलाश के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि जो आतंकी छिपा है उसका सही से लोकेशन ट्रेस किया जा सके। इस वक्त हम हीरानगर के कोटा स्वाल गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर रात को आतंकवादियों द्वारा जो है वो हमला किया गया सिविलियन के ऊपर। यहां पे आपको दिखा दूं कि यह अभी सर्च जो है वो चल रहा है। अगर मैं कल की अगर मैं बात करूं, तो कल 2 से 3 लोग जो थे वो यहां के लोकल लोग से मिले और पानी मांग रहे थे। उसके बाद पानी मांगने के बाद उन लोगों के ऊपर ही फायर जो है वो उन्होंने खोल दिया। उसके बाद जो है वो इत्तला दी गई जम्मू कश्मीर पुलिस, और उसके बाद आर्मी भी यहां पे पहुंची और कोशिश की गई। एक ग्रेनेड हमला भी हुआ, जिसमें एक आतंकवादी जो था वो मार गिराया गया, और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। अगर सुबह की अगर मैं बात करूँ, तो सुबह से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, और सुबह 2 से 4 राउंड जो है वो फायरिंग के हुए हैं, जिसमें CRPs के 1 जवान जो है वो जिसमें घायल हुआ है। फिलहाल इस वक्त जो है पूरे इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो पूरे एरिया को जो है वो कार्डन कर दिया गया है। लोकेशन उनकी जो है वो लोकेट की जा रही है, और जल्द ही जब भी ये लोकेशन जो है वो लोकेट होती है, तो उसके बाद एक कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और अगर इसकी बात करूँ, तो इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो 2 से 3 दिन पहले ही ये इत्तला जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो है वो दी गई थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो देखा गया है, मगर उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो था वो चल रहा था। पुलिस पार्टी यहाँ पे पहुंची हुई थी, और उसके तुरंत शाम को ये इंसिडेंट हुआ। और आज भी अगर बात करें, तो आज एक CRP का जवान जो है वो इसमें घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों ने छतरगला में सेना के टेम्पररी नाके पर अटैक किया। आतंकियों ने सेना की QRT टीम को निशाना बनाया, जिसमें सेना के 3 जवानों के घायल होने की खबर आई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस इलाके में इस वक्त सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल इरादे को समझने की कोशिश करिए, जो ये आतंकी हैं वो जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता को बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं। पहले अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे यात्रियों पर, उनकी बस पर अटैक करना, फिर ये QRT टीम पर अटैक करना, नाके पर निशाना बनाना, आतंकियों की तलाश में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला में शामिल
आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। आतंकियों के खिलाफ 20 लाख के इनाम का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें 9 जून को रियासी में टूरिस्ट बस पर अटैक किया गया था, जिसमें 10 यात्री मारे गए थे और 40 घायल हो गए थे। जिन आतंकियों की तस्वीर को आइडेंटिफाई किया जा सका तो एक स्केच तैयार किया गया और इसी के आधार पर सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। प्लान बहुत ही खतरनाक था। आतंकी लगातार इस पूरे इलाके में अस्थिरता बनाना चाहते हैं, शांति को भंग करना चाहते हैं और इसलिए चाहे वो तीर्थ यात्रियों पर अटैक करना हो, पुलिस की टीम पर अटैक करना हो, सेना के नाके पर अटैक करना हो, एक साजिश के तहत अलग अलग पॉइंट्स पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमले को देखते हुए घाटी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट रखा गया है। जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पर्यटक यहां बिना किसी डर के पहुंच रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध डल झील में तो खूब भीड़ हो रही है। 29 जून से शुरू होने वाली इसी साल की अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जो अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का एक रास्ता है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्ते अनंतनाग और गांदरबल, जहां पर यात्री सफर करते हैं, इसी हाईवे से गुजर कर ये यात्री तय करते हैं। ऐसे में न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि अमरनाथ यात्रा के ट्रांसिट कैंपस में भी सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए मिलिटेंट हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक जगह जगह पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया गया है, क्योंकि 29 जून से शुरू होने वाली इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा का वाहिद ये एक रास्ता है जहाँ से यात्री अनंतनाग और गांदरबल का सफ़र जो है यात्रा के लिए तय करते हैं। ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि मिलिटेंट्स अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, बिना कोई जोखिम उठाए हुए यात्रा से पहले ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हम इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे मौजूद है। यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे जवान जो है उनको तैनात किया गया है। CCTV कैमरास से नेशनल हाईवे पर हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। इतना ही नहीं, 14 जून को गांदरबल ज़िले में माता खीर भवानी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न इलाकों से कश्मीरी पंडित जो है उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पहले से ही पूरे कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उससे बौखलाए जो मिलिटेंट्स है वो अब अमरनाथ यात्रा और जो 14 जून को माता खीर भवानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है उसमें किसी भी तरह की खलल डालने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में सुरक्षा बलों ने जम्मू से लेकर श्रीनगर और अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर अभी से ही चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया है। खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक घाटी में फिलहाल आतंकी सक्रिय हैं और अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा अभी से सख्त कर दी गई है। जम्मू में रिसेंटली श्रद्धालुओं की बस पर एक हमला हुआ है, लेकिन उसका असर आपको कश्मीर में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा सर, बहुत बढ़िया है माहौल, मजा आ रहा है हमें यहाँ पे और आगे भी उम्मीद करते हैं ऐसा ही रहेगा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, माता खीर भवानी का जन्मदिन भी है, आपको लगता है कि इस भीड़ में और ज़्यादा इजाफा होगा? कोई डर कोई खौफ नहीं होगा? बिल्कुल इजाफा होगा जी, और हम भी जा रहे हैं उसमें। आप दर्शन करके लौटे शिव, भगवान शिव के, कैसा माहौल दिखा, कोई डर कोई खौफ लगा? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं फील हुआ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो बहुत टूरिज्म बहुत ज़्यादा है इस टाइम, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें, खुले ढंग से हुए, अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उस तरह का कोई खौफ तो नहीं लगा कि नहीं कश्मीर में भी कुछ ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें, बहुत बढ़िया। तो एंजॉय किया दर्शन अच्छे से? हाँ, बहुत खुले खुले दर्शन हुए हमें, बहुत अच्छे। ऐसा लगता था पहले कि वो चीज़, लेकिन वो चीज़ अब नहीं है, हम अनकम्फर्टेबल लग रहे हैं, पहले अनकम्फर्टेबल थे लेकिन अब जैसे जम्मू में ऐसे अटैक हुआ वो उसका डर ये चीज़ था, लेकिन वो नहीं, वो चीज़ नहीं है, हमें तो बढ़िया।
ही अच्छा लगा यहाँ पे। कश्मीर के हालात बदल गए हैं ऐसा, लेकिन पहले से तो बड़े ज्यादा बदल गए हैं, बड़े ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। ना कोई डर तो कोई महसूस नहीं हुआ, डर तो कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगा कि व्यवस्था में सुरक्षा में कोई कमी है। लेकिन ये भी समझता हो कि जिसको अटैक करना होता कहीं ना कहीं लूपहोल ढूंढ के कहीं ना कहीं कुछ कमी निकाल के कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे जो भी है अच्छा ही लग रहा है, और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही अच्छा है। नॉर्मली नॉर्मल सा ही है सब कुछ, जो देख रही हूँ लोगों को या कुछ है ऐसा, कहीं कोई ना कोई बात कर रहा है ना, तो सब नॉर्मल ही लग रहा है मुझे तो।